मूड में है। कैसे करोगे? सॉल्व कीजिए, कुछ टाइप कुछ आइडिया है? सर साइनस तो मल्टीप्लिकेशन कॉसेस माइनस कॉसेस मोड है ना, मतलब मोड है सर, मोड थोड़ा सा मैं मोड है तो कैसे उसको हट करोगे? मोड ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मोड का कुछ तो मतलब होता होगा, ऐसे थोड़ी मोड को हटा करके आप साइनस रख देंगे, ऐसा नहीं ना होगा। मोड में सर एक बार प्लस करने माइनस एकदम से क्लियर है। देखिए कुछ चीजों को बता रहा हूं, जैसे जो साइन एक्स होता है ना, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यही मैं नोट करवाता जा रहा हूँ। मोड ठीक है, जो साइन मोड एक्स होता है, सबसे पहले ये बताओ साइन एक्स जो होता है उसका पीरियोडिक क्या होता है, पीरियड क्या होता है साइन एक्स का? पीरियड -1/2 की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट एकदम कंसेप्ट है यहाँ पे। प्लस टू में भी आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस बनाने से पहले कंसेप्ट के लिए क्वाड्रेंट में पीरियड की बात कर रहा हूँ, उसकी पीरियडिसिटी क्या होती है। पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है, उस सर्टेन इंटरवल के बाद फिर से वही चीज को रिपीट करना, उसको बोलते हैं पीरियड। पाई बाई टू पर पीरियड उसका होता है क्या, सेम होता है, ऐसा थोड़ी है। टू पाई तो टू पाई के इंटरवल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे टू पाई पीरियड। दैट मीन्स कि आपका, अगर आपने देखा, पूरा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा चीजों को बताऊंगा, इसी से आप समझ जाएंगे। आप क्योंकि आप सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर में चले जाओगे आप तो कुछ दिनों के बाद। जैसे ये ग्राफ की मैं बात करूँ, ग्राफ जानना बहुत जरूरी है, खासतौर से ट्रिकोमेट्री वगैरह का ग्राफ, बेसिक ग्राफ, फंडामेंटल ग्राफ। तो फंडामेंटल ग्राफ तो आप जानते ही होंगे, एक्स ये कोई भी आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ये साइन एक्स, जैसे ही आपसे मैंने पूछा साइन एक्स क्या, हम मोड का नहीं पूछे अभी, तो साइन एक्स का हमने पूछा, तो आप साइन एक्स का ग्राफ तो जानती हो, ऐसे ही होता है, ऐसे जाता है ना। ऐसा होता है, थोड़ा सा डिटेल्स नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, पाई बाई टू, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है थ्री पाई बाई टू, इसको क्या बोलते हो आप टू पाई। इसको और आप आगे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ पर माइनस में आएगा, ये आएगा, ये आएगा। आप इसका क्या होता है कि जीरो से लेकर के जीरो टू, क्या होता है जीरो टू लेकर के जीरो टू, अगर टू पाई के आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसकी जो पीरियडिसिटी होती है इसको हम लोग टू पाई बोलते हैं। एक्चुअली जीरो से लेकर के टू पाई जैसा दिखता है वैसा ही अगला बार भी दिखेगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो फिर जहां से ओरिजिन से लेकर के टू पाई तक दिखा था ना, तो ये फिर वहीं से वैसा ही दिखेगा, और यहाँ भी वैसा ही होने वाला है। ठीक है, फोर पाई पर, यानी टू पाई, टू पाई, फिर फोर पाई, मतलब फिर टू पाई से फोर पाई, फोर पाई से, चलिए कमी, फोर पाई से सिक्स पाई, सिक्स से एट, ऐसे चलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिसिटी, मतलब कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज को जीरो से टू पाई तक, अगर हमने जीरो से टू पाई तक रिपीट कर रहा है, मतलब कि जीरो से लेकर टू पाई पर उसकी प्रॉपर्टीज को, अगर हमने, प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि उसके सारे चीजों को अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं जीरो से लेकर के टू पाई तक कुछ भी, तो वही वैल्यू अगर हमने बोला कि भैया आप बताइए कि पाई 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू होगी, 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू होगी, रूट थ्री बाई टू, ठीक है, तो 60 डिग्री में टू पाई आप ऐड कीजिए, ठीक है, तो फिर उतना ही वैल्यू आएगा उसमें। टू पाई कहने का मतलब कितना हुआ, 360, 360 प्लस 60, तो उतना ही वैल्यू हुआ जो 60 के लिए हुआ, क्योंकि वे सारे कुछ
एक ही चीज की नहीं बात कर रही है, बस सब कुछ जीरो से लेकर टू पाई तक अगर आपने उसमें आपने डिफाइन कर देते हैं सारी प्रॉपर्टीज को, तो वे भी आपके अगला भी टू पाई तक जो होगा, टू पाई से लेकर फोर पाई के बीच वैसा ही होने वाला है उसका, वैसा ही इसका रूप रंग शेप सब कुछ एनीथिंग, ठीक है। तो ये होता है, तो आपका अगर टू पाई का इसका हमको पीरियड मालूम है, तो ये सब क्या होता है एक्चुअली जीरो से लेकर के टू पाई, ये सब अगर आपने ग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया, दो तीन चीजें हैं, अगर कैलकुलस को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, कैलकुलस कोई भी चीज का, अगर अपन मान लो कि इसी में तुमको बात करो, सबसे ज्यादा आपको कैलकुलस से क्वेश्चन पूछेगा, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा सिलेबस में भी कैलकुलस का वेटेज ज्यादा, आई थिंक मुझे लगता है, हालांकि ऐसा ना हो अच्छी बात है, ठीक है। तो कैलकुलस का वेटेज ज्यादा है, और इसको आप समझ जाते हैं चीजों को, तो बहुत सारा चीजें जैसे चार पांच चीजों को कैलकुलस में आप पकड़ लिए, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ है नहीं, ये बच्चे भी कर देते हैं समझे, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं, जो इसको बोलते हैं ना इतना बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन जा रहा है, ये जा रहा है, ये एक प्रकार का कैलकुलस कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन पढ़ना क्या है रियल में ये जानना जरूरी है। सबसे बढ़िया चीज है कैलकुलस में फंक्शन, जिसको फंक्शन का कमांड हो गया, उसको कुछ भी करने के लिए, ये सब फंक्शन का पार्ट है एक प्रकार से। दूसरा है ग्राफ, ग्राफ में 15 दिन अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ सब कुछ सीख लिए, अब वो कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। अगर ये दो चीजों को आप कर लेते हैं तो बाकी सब चीजें आसान है, इसमें है नहीं बस, और बाकी कुछ है नहीं, क्या है बाकी, क्या है इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है, और कुछ है ही समझे, डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं, ठीक। लेकिन ग्राफिकली यूज, जैसे यहाँ पर स्टार्ट का क्वेश्चन, जैसे ही इसको दिया जाएगा समझे, आपका जो बच्चा जो है 11th 10th 12th का, उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये तो अभी आसान है, इसमें अगर ग्राफिकल में मैं आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बना सकता हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया समझे, आप सोचते सोचने लगेंगे भैया ये क्या दे दिए इन्होंने, ये क्या बना करके रख दिया है, बनाते रह जाएंगे, क्या लिख दिया इन्होंने, मोड भी लगाया है, डबल मोड लगाया है, फिर इंटीग्रेशन लगाती है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। अब बारी बारी से स्टेप कर करके आप मोड तोड़ेंगे, ये दो तीन पेज में चला जाएगा, हो सके कैलकुलेशन भी गड़बड़ करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है ग्राफ का और कैलकुलस के बेसिक नॉलेज, मतलब जो ग्राफ वगैरह फंक्शन वगैरह का, ये बच्चों का खेल है, इसको 2 मिनट में बनाए भी नहीं लगेगा, बना देंगे और आंसर लिख देंगे। ये होता है IIT JEE मेंस में, ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस वगैरह का, ये होता है, इसीलिए सिखाया जाता है चीजों। चलिए वे तो बात की बात है, इसको इसको देखें तो 2π हुआ, अब हमें तो साइन एक्स चाहिए और उसका मोड लगा हुआ है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ, जो कि हम लोग बच पढ़ते आ रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं, मोड का भी ग्राफ आपको बुक्स में मिल जाएंगे। तो जब मोड की ग्राफ आप करते हैं ना, तो मोड के ग्राफ जो होता है एक्चुअली क्या होता है कि मोड की जब बात आती है, यहां पर मैं कर दे रहा हूं साइन एक्स, मोड की जब बात आती है तो मोड में जब भी ग्राफ होगा किसी भी चीज का, याद रखेंगे किसी भी चीज का ग्राफ होगा मोड में, तो मोड का मतलब ही होता है कि हम कभी भी निगेटिव नहीं होने वाले, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, एकदम ठेठ भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब साइन एक्स है, तो साइन एक्स जीरो से लेकर के कहाँ था, पाई, देखिए यहाँ पर 2π तक था ना, बट पाई पर क्या होता, मुड़ रहा था, देखिए मुड़ रहा था ना ये, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, मतलब मिरर इमेज की तरह काम करना चालू कर देगा पूरा का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, सारा ऊपर चला जाएगा, ये आपको बेसिक फंडा है कि ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, नीचे वाला ये तो ऊपर था ही, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यही होता है, इसका पूरा आपका नियम कानून है, आपका पूरा रूल रेगुलेशन है इसको सीखने का, फिर इधर भी बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे पास fx=sinx का मोड का ग्राफ हो गया, मोड का ग्राफ, अच्छा ये जो जीरो था यहाँ पर क्या होगा पाई, यहाँ पर क्या होगा 2π, यहाँ पर क्या होगा 3π, और ये आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, जितना तक आपका आगे की ओर जाएगा इधर जाएगा अपने पास, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो इसके पीरियड कितनी होगी, इसका पाई होगा, क्योंकि जीरो से लेकर पाई, फिर पाई से टू पाई एक ही जैसा नजर आ रहा है, देखिए तो हम इसका बोलेंगे t=π, यही सब याद चीजों को याद रखना आप, साइन का 2π, बट इसका क्या होगा पाई, मोड का पाई, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, एक बार अगर आप पढ़ लिया पूरी जिंदगी आप नहीं भूल पाएंगे, लोगों ने +2 में ही पढ़ा था, तो आज तक ही मुझे याद है, लोग जो टीचर लोग पढ़ाए थे आज भी हमारे नोट्स हैं,
आपको नहीं समझ में आएगा ज्यादातर, जब तक कोई सामने वाला समझाने वाला नहीं रहेगा। जब नोट्स पढ़ करके ही कर लेंगे तो नोट्स तो मार्केट में बहुत सारा है, आपको समझाने वाला होना चाहिए। ठीक है, आप जब से समझ जाओगे तब आपको आसान हो जाएगा। आपको बंसल का मिल जाएगा, रेजोनेंस का मिल जाएगा, बड़े बड़े कोचिंग का मिल जाएगा आपको। आप मार्केट में ये मिलता है, ऐसे मिलता है, सुभराज पथ में चले जाएंगे, बट आपको उसको समझ जाए तब। एक बार समझाने के लिए ये हो गया कि पाई के साथ इंटरवल हो रहा है, मीन्स कि जीरो से लेकर के पाई तक अगर चीजों को हमने समझ लिया तो सारा कुछ। अगर हमने बोला कि इसका बताइए, अब देखिए एक्चुअली क्या है क्वेश्चंस में हमारे पास, ये जीरो से लेकर के टेन पाई, अगर हमने जीरो से लेकर पाई ये कर लिया हम लोगों ने, टेन पाई कहने का मतलब है कि ऐसा ऐसा जीरो से पाई, टू पाई, थ्री पाई, दस तो होगा। तो हम जीरो से पाई निकाल करके और टेन से मल्टीप्लाई कर दे तो हो नहीं जाएगा हमारा क्या काम। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, हमने आपको इजिली जीरो से लेकर के क्या दे रखा है, टेन पाई, ये हो गया साइन का मोड डीएक्स। अब इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टेन जीरो से लेकर के पाई, ठीक है। अब ये मोड हट जाएगा, क्यों, कि जीरो से लेकर पाई तो ऊपर में है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव का कोई है ही नहीं मतलब। तो ये मोड आप हटा करके लिख दें। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब तो आसान हो गया ना, ये टेन से सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया, टेन से यानी कि जीरो से पाई तक का निकाल करके और टेन से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा ओवरऑल जीरो से लेकर के टेन पाई तक का निकल जाएगा इंटीग्रेशन हमारा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, टेन तो खत्म हो गया, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, जीरो से लेकर के कहां तक, पाई तक, ये हो जाएगा टेन, रख दीजिए अपर लोअर लिमिट, क्या होगा कॉस पाई, फिर क्या होगा प्लस कॉस जीरो, प्लस होगा ना, कॉन्स्टेंट ऐड नहीं करते ना, डिफिनेट इंटीग्रेशन है। टेन कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, माइनस वन, पहले से वन है तो ये हो जाएगा वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन, दैट मीन्स 20, दिस इज योर आंसर। इस तरह से बनाते हैं, सर फर्स्ट लेट करिए तो फर्स्ट पेज इसमें तो कुछ था नहीं, सेकंड पेज में ही ना कुछ है। कौन है, कौशल कुमार अभी आ रहे हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो पीरियड इसका पता रहे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसे ट्रिकोमेट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह का, दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया, कॉस का, टेन का, सेक का, सब बता देते हैं, बोलिए, समय रहना चाहिए अपने पास, ठीक है, सब बता देंगे, सब मुझे याद है, समझे, एकदम माउथ पर ही है, मुंह पर ही है, सब ऐसा नहीं कि मुझे देखने की जरूरत हो सकती है, काफी अच्छे तरीके से हमने उसको हैंडल करके रखा है। सर हम 12th का एग्जाम जब से दिए तब से सब सी पढ़ते हैं, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे और क्या पढ़ा। और ये एक ऐसा चीज है ना, काफी मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा क्लास से, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हार्ड चीजें हैं, मतलब आसानी से कवर कर लेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को। कितने नंबर का है तुम लोग के सिलेबस में, 100 नंबर में 40 नंबर वही है, होगा वही, ज्यादा वेटेज होगा कैलकुलस का, 45 से 50 नंबर कवर हो जाता था। चलिए ठीक है, ये कॉस में कुछ नहीं होता है, अगर आपने कॉस का ग्राफ आपको याद है, तो कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, आप स्टार्टिंग करते हुए जो एफ एक्स इक्वल टू आपके पास कॉस एक्स का ग्राफ बोले या वाई की बात करूं, तो ये होता है दिस एंड दिस, कुछ नहीं करना है, यहां से ऐसे होता है, ऐसे भागता है, ठीक है, यही होता है ना, थोड़ा सा ये 1 यूनिट पर ही होता है, यहाँ से y यूनिट और यहाँ पर -1 यूनिट, ये 1 यूनिट तक ही जाता है।
अब अपने पास इसमें क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमने बोला कि भाई कॉस एक्स का मोड लगा दिया, हमने कॉस एक्स का मोड लगा दिया, तो मोड लगाने का मतलब क्या है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी बात है, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मीन्स कि यहां से लेकर के यहां तक तो ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर उठ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो तो ठीक ही है, फिर यहां पर ये इधर आया है तो ये तो ठीक है, फिर यहां पर नीचे वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो दिख रहा है वो ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा बात। ये कॉस का ग्राफ हो गया, मोड कॉस एक्स का। अब ये देखो, ये जीरो से लेकर के इसका इसका पीरियड कितना होता है, टी इक्वल टू, इसका भी टू पाई होता है, ठीक है। आप देखोगे ये होता है क्या होता है, ये पाई बाई टू, यहाँ पर क्या होता है पाई, यहाँ क्या होगा थ्री पाई, थ्री पाई बाई टू, और यहाँ पर क्या होगा टू पाई, मीन्स कि अगर जीरो से लेकर के टू पाई तक जितना होगा उतना ही फिर अगला स्टार्ट होगा वैसे ही। अब यहाँ पर आप देखें, ये हो गया जीरो, ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये पाई बाई टू, ये क्या हुआ यहाँ पर बताइए ये क्या होगा, ये पाई होगा ना, और ये क्या होगा थ्री पाई बाई टू, उसी तरह से अगला ये टू पाई। अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक आप आएंगे, अब ध्यान से देखो जीरो से लेकर के अगर पाई तक की मैं बात करूं, जीरो टू पाई, ये देखो सिर्फ यहीं तक की बात हो रही है, वहीं अगला भी यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसे ही जाएगा, उतना ही होगा, तो ये क्या होगा, यहां पर भी जो होगा इसकी पीरियडिसिटी होगी पाई ही होगी, साइन और कॉस का सेम, ऊपर से जा रहा है नीचे से जाता है, ये तो आप देखो, ये तो बुक किसी बुक्स में भी मिल जाएंगे समझाने, सारा कुछ आपको बुक में मिल जाएगा, फिर आपको बता दिया तो आप उसमें जाएंगे तो पढ़ेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। यस, अच्छा टेन का जो होता है, टेन का पीरियड क्या होता है, टेन का पीरियड पाई होता है, और अगर मोड लगा दें उसमें टेन में तभी भी पाई होता है। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, जितने भी मोड वाले ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मेट हैं, साइन कॉस से कॉस कॉट सब कुछ पाई याद रहेगा, इतना छेओ फंक्शन है, छेओ का मोड लगा रहे, सबका पाई मोड लगा रहे, टाइम पीरियड, ठीक है, ये हुआ, बहुत आसान चीजें हैं याद रखना। फिर अगर हमने बोल दिया आपसे कि आप मेरे को बताइए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर ये सब का क्या होगा, स्क्वायर लग गया तो, स्क्वायर लग गया तो टेन स्क्वायर, हाँ सबका पाई ही होगा, ठीक है, हाँ इवन की बात कर रहा हूँ, पावर अगर इवन रहेगा तब, ऑड वाला पूछेगा कि नहीं, अलग बात है, सीधी सी बात है, तो ये सब चीजें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस तरह से बात होगी, तो सबका क्या होगा पाई, क्या है सर, टी द टाइम पीरियड, कौन है ये, हम नहीं है, जैसे अगर हमने पूछ दिया आपको एक नया क्वेश्चन, चलिए खुद से क्रिएट किया आपने इसी क्वेश्चंस के लिए, जीरो से लेकर के टेन पाई, और बोला कि बताइए कॉस एक्स का क्या होगा, तब क्या होगा, इसका एरिया रहता तब फिर अलग हो जाता, जीरो हो जाएगा, साइन कॉस का साइन क्या है, साइन
एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो फिर 0 to 1 x 1 माइनस ये हो गया है क्या नहीं देखिए कुछ हो सकता है मे बी माइनस 2 to 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर मोड कैसे करेंगे इसको चलो इसको होमवर्क में रखो आप बनाएंगे इसको देखें फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टाइम लेकर के बना रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर मोड है माइनस 2 से लेकर के 3 देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उसका क्या है जब तक आप ट्रिक्स पर नहीं लाएंगे मतलब ट्रिक्स का नहीं का मतलब उसको आप फॉर्मूले पर नहीं लाते हैं तब तक नहीं बनेगा उसको आप मुझे भी दे देंगे अगर कोई सोच समझ करके तो मुझसे भी नहीं बनेगा लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है ना उसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं अगर आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज याद है ग्राफ याद है कैसे करते हैं तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं कि मजा है डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है इसी में कुछ है क्योंकि और डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है एक्चुअली एरिया से रिलेटेड है ये एरिया और डिफिनिट इंटीग्रेशन अलग नहीं है दोनों एक ही चीज है कहा जाता हूँ ठीक है वही एरिया बाउंडेड बाई कर्व या एरिया बाउंडेड तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड है इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देखो मतलब ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मेट था तो आपको ग्राफ आना चाहिए देखिए कुछ कुछ ग्राफ मैं आपको कुछ कुछ कोशिश करता हूँ हालांकि ऐसे 15 दिन का ग्राफ है मैं यहीं पर कुछ कुछ बताता हूँ और कोशिश करें कि आप समझ जाएं हाँ तो ठीक है स्टेप जब भी ग्राफ खींचते हैं ना स्टेप बाय स्टेप खींचते हैं फंडामेंटल ग्राफ हमें पता होना चाहिए स्टार्टिंग का ग्राफ एक्स और वाई इसमें फंडामेंटल एक्स स्क्वायर तो पता होगा तुम लोग कैसा होता है y = x स्क्वायर ये y = x स्क्वायर जो होता है सिंपल सा ऐसे होता है इसको बोलते हैं y = x स्क्वायर ठीक है y = x स्क्वायर अच्छा किसी ग्राफ में y = x स्क्वायर है अगर बाहर से ऐड होता है किसी ग्राफ में बाहर से कुछ ऐड हुआ तो क्या होता है कि ऊपर नीचे करता है ग्राफ बाहर से ऐड हुआ तब जैसे x स्क्वायर प्लस 1 किया तो अभी x स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं कर दूं तो ये क्या होगा इसका एक यूनिट जो होगा ना ऊपर यूनिट उठ जाएगा एक यूनिट ऊपर उठने का मतलब है कि आप इसको यहां से उठाएंगे एक यूनिट तो इसका सारा पार्ट उठ जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आपने उसको सेंटर से उठा करके ऊपर रख दिया पूरा का पूरा उठ जाएगा पूरी बिल्डिंग उठ जाएगी बस ऐसी आप सोचना है ठीक अगर हमने उसमें कुछ माइनस कर दिया कौन है ये तो वाई एक्स स्क्वायर अगर माइनस होता है तो क्या होता है नीचे की ओर आ जाता है मीन्स कि इस पॉइंट को क्या करेंगे अगर माइनस हुआ होगा तो ऐसे हो जाएगा दैट मीन्स देखो क्या हुआ
इसी में क्या हुआ, अगर मैंने बोला कि एक यूनिट आप बढ़ा दीजिए, इसमें यहाँ पर एक यूनिट हमने बढ़ा दिया, तो इस ग्राफ का जो वैल्यू होगा, इस ग्राफ का जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे x स्क्वायर प्लस। अच्छा, इसको बोला कि थोड़ा एक नीचे यूनिट घटा दीजिए आप, तो हम बोलेंगे कि ये घट गया वन यूनिट, तो इसको बोलेंगे y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वन, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे पूछेगा नहीं, बट ये सब चीजें अगर आप जानते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके लिए ये चुटकी का काम है। अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर की जरूरत है, यहाँ पर हमें प्लस की जरूरत नहीं है, तो अगर माइनस की जरूरत पड़ती है तो ये क्या होता है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाता है माइनस में जब ग्राफ होता है, तो दैट मींस कि ये ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का। और उसमें क्या हो रहा है कि एक्स ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो क्या हुआ होगा, एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, हमने तो बताया, तो आपको सिखाया प्लस, ऐसा ही लिखा होगा, ये लिखा तो ये है, ये लिखा हुआ है ना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, ये ग्राफ हो गया। अब देखिए फ्रेश थोड़ा सा देखिए, फिर हम आपको बैक कर लेंगे, फ्रेश कर रहा हूं। तो जब यहां पर हमने देखा कि ये आपके पास ये जो ग्राफ था हमारे पास, एक्चुअली ये वाई है, ये एक्स है, ये ओरिजिन है। अब देखो ये ग्राफ हमको मिल चुका है। अच्छा, ये ग्राफ मिलने के बाद इसमें एक मोड लगा हुआ है, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ पॉजिटिव समझता है, तो पॉजिटिव समझता है, तो हमने अभी तो आपको सिखाया था कि जो नीचे होता है सिर्फ ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला ऊपर ही रह जाता है, तो इसका नीचे वाला जो पोर्शन है यही है ना, देखिए तो इस ग्राफ का ये ऊपर चला जाएगा, तो अब नजर कैसा आएगा, ये नजर कैसा आएगा, ये तो नजर आएगा ही, साथ में ये ऊपर वाला भी तो नजर आएगा, ये भी तो आएगा, तो ये कंप्लीट ग्राफ किसका हो गया, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर का मोड। सीखे ये भी आता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, बट आपको नहीं पूछा जाएगा, बट ये सब का भी नॉलेज आपको होंगे, ये सब चीजें आपको आए तो कैलकुलस के बड़े बड़े क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे, जेई के प्रॉब्लम्स वगैरह तुम्हें पूछते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, माइनस टू से लेकर के थ्री तक इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है माइनस टू, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको पता कर सकते हैं क्या, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, y इक्वल टू जीरो करो तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस वन, यानी कि एक पॉइंट ये वन कॉमा जीरो मिला होगा और दूसरा पॉइंट माइनस वन कॉमा जीरो मिला होगा। हमको चाहिए माइनस टू, तो माइनस टू तो इधर ही आएगा ना, कहीं इधर आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस टू और कहां तक है, प्लस थ्री, प्लस थ्री इसको और ऊपर जाएगा ग्राफ आगे की ओर जाएगा, ये एक्स इक्वल टू थ्री तक। अब ये पार्ट जो होता है ना वास्तव में क्या होता है, एरिया का ही होता है, अगर आपने एरिया निकाल दिया, फाइंड आउट कर दिया, तो आपके पास पूरा का पूरा निकल जाएगा। अच्छा, अब देखो इसमें बड़ा अच्छा चीज है, ठीक है, अब ये आप एरिया निकाल लीजिए, एक बार यहां से यहां तक निकाल दीजिए कि यहाँ पर यहां से यहां और एक बार यहां से यहां तक निकल जाएगा, तो हो जाएगा, फिर ऐड कर लीजिए आप, ये तो सेम ही होगा। अच्छा, ये चीजों को आपको पता करना पड़ेगा, यहां से लेकर के यहां तक कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट क्या होगा, नहीं इसमें ये पार्ट क्या होगा, ये आपको अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा। y इक्वल टू ये क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, अगर हमने बोला कि आप मेरे को बताओ x इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो वन में से ये घटेगा तो माइनस के फॉर्मेट में चला जाएगा, नहीं ग्रेटर रख रहे हैं, बड़ा वैल्यू जीरो से बड़ा रखोगे तो वन माइनस वन, तो वन रखे कुछ भी नहीं है, जीरो से जीरो पॉइंट टू फाइव भी तो रख सकते हैं आप, वन थ्री फोर फाइव कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना, ऐसा मोड तोड़ने का
चलिए इसको यहीं पर रखते हैं स्टॉप, ठीक है? आपको अटेंडेंस ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाएंगे, थोड़ा सा इसमें और कुछ बताना पड़ेगा तब जाकर ज्यादा क्लियर होगा, थोड़ा सा मोड के बारे में और बताना पड़ेगा। ये मुझे लगा कि एक प्ले बेस ग्राफ करके आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, अमित अग्रवाल का, वो भी आपके पास हो तो ठीक है। मेरे पास दो बुक था, अभी यहाँ पर है नहीं। सर दीदी को ज्वाइन ले लीजिए ना। किसका है?